Hey, Assalamualaikum everyone, this is Hamza Ibrar and you are watching Baker Beauty Channel. So friends, उम्मीद करता हूँ आप तो खराफियत से होंगे, अपने घरों में मौजूद भी होंगे और मेरी वीडियो को देख भी रहे होंगे, वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे. और स्पेशली मैं बहुत माजरत करता हूँ कि मेरी वीडियोस बहुत लेट हुई, उस पर भी एक बहुत जो है मुझे डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी कि वाई आई एम मेकिंग माई वीडियोज सो लेट, राइट. सो दूसरा ये कि आई वॉज इन दुबई, आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान. सो इस वजह से भी मेरी वीडियोस लेट होती रही हैं और कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से आई वॉज फेसिंग अ स्वेयर इशू. आई विल लेट यू नो. सो आई व्हाट आई नीड, आई जस्ट नीड योर प्रेयर्स गाइज. यू जस्ट हैव टू प्रेयर फॉर माय फैमिली, फॉर एवरीवन, लाइक एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. सो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उससे पहले यू नो दैट लाइक व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, यू हैव टू लाइक माय चैनल, यू हैव टू शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर लव एज वेल, सो वी कैन एनहांस माय चैनल. लाइक यू नो, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट. आप लोग हमेशा से जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छे कमेंट्स, शेयर और मेरे चैनल को जितना आप लोगों ने प्रमोट किया है, और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. सो ये तो खैर बहुत सारी बातें हैं, बिकॉज आई ऑलवेज मैंशन दैट यू गाइज आर माई यूट्यूब फैमिली. सो फैमिली के साथ किस तरह से सलूक करते हैं और फैमिली किस तरह से मेरे साथ सलूक करती है, दैट्स वेरी वेरी काइंड. सो आज हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं, हम वीडियो बनाने वाले हैं जी आज सनब्लॉक के ऊपर, बिकॉज यू गाइज नो दैट लाइक समर इज हेयर. सो वी नो दैट लाइक हम लोगों को किस तरह से जो है वो अपनी स्किन की जो है वो हिफाजत करनी है और हम लोग क्या कर सकते हैं. एज यू नो दैट लाइक हमारा जो है एक तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, दूसरा ये कि हम लोगों को यूवी रेज से किस तरह से स्किन को प्रोटेक्ट करना है. और लोगों का ये समझना होता है कि जी सन ब्लॉक जो है लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर आर स्किन, बट यू नो दैट गाइज सन ब्लॉक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आर स्किन. सो आज हम लोग बात करेंगे जी, दो सन ब्लॉक मेरे हाथ में हैं, वन इज़ अ ब्रांडेड सन ब्लॉक एंड द सेकेंड वन इज़ लाइक इट्स अ गुड ब्रांड एज वेल, बट इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव. तो हम लोग आज इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि सन ब्लॉक मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि ये आपकी स्किन को पिगमेंटेशन, साइंस ऑफ एजिंग जो है वो कंट्रोल करता है स्किन के ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी होता है. अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने लगी, मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली हैं, और मैं कोशिश यही करूँगा कि वीडियोस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोगों को देखने में मसला ना हो, राइट. तो आज हम बात करेंगे, दिस वन इज़ द फेंटी ब्यूटी हाइड्रावाइजर, दिस इज़ लाइक I bought it from Sephora. और जो दूसरा था, this is also sunblock. The price of this sunblock is not more than like 4,000. So sunblock is sunblock. Like you just have to know that sunblock बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी इसलिए भी है हमारी स्किन के लिए. सनब्लॉक आपने यूज़ करना, हम लोग कोशिश ये करें कि हम लोगों को लगता है कि जी हम लोग सनब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो हमारी स्किन से ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, नहीं ऐसा. सो तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट सनब्लॉक. मैं आपसे ये बात कर रहा था कि लाइक ऑन द वन साइड आई हैव द ब्रांडेड सनब्लॉक, काम ये भी वही करेगा, और दूसरे वाला जो है दिस इज़ ऑन द लोकल सनब्लॉक, तो काम ये भी वही करता है. एंड दीज टू आर द कॉस्मेटिक सनब्लॉक. और उसके अलावा आप लोगों के पास ऑप्शन ये होती है कि आप लोग जो है मेडिकेटेड सनब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं. आपने बस ख्याल रखना होता है कि आप हमेशा फेस वॉश करें, और आपका सन एक्सपोजर है या नहीं है, सनब्लॉक आप ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज आपकी स्किन को एक प्रोटेक्शन लेयर मिल जाती है जो कि यूवी रेज, इवन के जो हमारे घर में लाइट्स मौजूद होती हैं, उससे भी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. सो डोंट फॉरगेट दैट सनब्लॉक इज़ नॉट लाइक जस्ट फॉर लाइक यू आर गोइंग आउट सो यू हैव टू अप्लाई दैट सनब्लॉक. नो, सनब्लॉक इज़ नॉट मेड फॉर द सन एक्सपोजर, इज जस्ट मेड फॉर टू प्रोटेक्ट द स्किन एज वेल, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस. और जो सनब्लॉक का हम लोग करना ही होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि जी कौन सा SPF, कितनी क्वांटिटी वाला SPF यूज़ करना चाहिए जी, 30, 40, 50, 60. सो मैं ये बता दूं कि अगर आप हमारे पाकिस्तान का जो टेम्परेचर होता है उसमें जो होता है हमारा, बहुत ज़्यादा हमारी हीट वेव्स भी होती हैं, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए लाइक आई थिंक सो SPF 30 इज़ फाइन अगर आप घर में मौजूद हैं, और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए SPF आपका जो है वो मैक्सिमम इट शुड बी 60, ठीक है. तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है इसका. बाकी मैं आगे जो है लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे स्किन एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ. बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे आईब्रोज पिगमेंटेशन है, स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन है, लिप पिगमेंटेशन है, और जिस पे बीबी ग्लो भी आ जाता है, हाइड्रोफेशियल भी आ जाता है, और आजकल तो हर जगह पे जो है व्हेन आई केम हियर, सो देन आई सॉ दैट लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग दीज फेशियल्स एंड ऑल दीज ट्रीटमेंट्स.
तो उस पर ये होता है कि हम लोग उस पर बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग मतलब कौन सा ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट हमारी स्किन को सूट करेगा, तो वो भी आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। तो फिर इजाज़त दीजिए हमज़ा इब्राहिम को, मिलते हैं अगली कुछ वीडियोस में। अगली वीडियोस मेरी बहुत अच्छी होंगी, मैं बताऊंगा स्किन को क्लेंस किस तरह से करना है इन समर, बिकॉज ना सिर्फ इन समर, और डोंट फॉरगेट टू यूज़ द सनब्लॉक प्लीज़। तो इजाज़त दीजिए इब्राहिम को, मिलते हैं अगली कुछ वीडियोज़ में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।